बस्ती जिले के मुंडेरवा थाना के दिकतौली गांव में दो पक्षों में जमकर लाठी डंडे चले। दोनों पक्षों के आधा दर्जन से ज्यादा लोग घायल हो गए। आपको बता दें कि गांव में नाली का निर्माण चल रहा था, जिसको लेकर प्रधान पक्ष और दूसरे पक्ष के लोग आमने सामने आ गए। देखते देखते गाँव जंग के मैदान में तब्दील हो गया। दोनों तरफ से लाठियां चटकने लगी। देखते ही देखते दोनों पक्षों के कई लोग घायल हो गए। एसपी आशीष श्रीवास्तव ने बताया कि इससे पहले भी दोनों पक्षों में विवाद हुआ था, जिसमें धारा 151 में कार्रवाई की गई थी। इसके बाद दोनों पक्षों में दोबारा विवाद हुआ, जिसमें प्रधान पक्ष को गंभीर चोट लगी, जिसमें धारा 307 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। 4 लोगों को अरेस्ट किया गया। दूसरे पक्ष की तहरीर पर भी मुकदमा दर्ज कर 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। जमीन को लेकर कई बार ये लोग कई लोगों को पटा दिए हैं, सर गड्ढा वगैरह जो भी है सब पाट लिए। पुलिस ने क्या कार्रवाई की? पुलिस के साथ जब हम आ गए तो चोट लगी, जो भी धारा है कि धारा वगैरह लगा इनके ऊपर हमारे ऊपर भी लगा है। कहाँ कहाँ चोट आई है? चोट सर हमारे सर में आई है और ये आँख जो हमारा कुछ दिक्कत है आँख में भी, और ये घुटने में भी चोट लग गया है, थोड़ा घुटने में दिक्कत है। अभी सारे लोग जो मारपीट किए थे फरार रहे हैं कोई जेल में? कुछ लोग जेल में, तो फरार है। काम रुक गया है? जी जी किनारे के काम रुक गया है। कितने बजे तक है ये सर? था करीब 1.5 या 1.5 किलोमीटर। किनारे का काम एक व्यक्तिगत घर के लिए था या तो पूरे गांव? नहीं नहीं गांव के लिए था, सामूहिक नाली पसंद के जिला उसको रोका था। जी जी जबरदस्ती मतलब ये कि नहीं करा था। ये लोग सर पहले से प्लानिंग में होंगे कि मेरी हत्या ये लोग करना चाहते हैं, और मनसा ये थी कि इनको मार दिया गया, तमाम धमकियाँ उनको मिली थी, लेकिन उनके साथ ये सब कुछ होगा नहीं, लेकिन ये लोग पूरा प्रयास किए लिए हत्या करने का, और ये लोग आज गिर गए हैं मेरे ऊपर हमला करने के लिए। विवाद देखिए सर, ये सरकारी नाली बन रही और सरकारी नाली सरकारी जमीन में ही पानी को गिरना व्यक्तिगत जमीन किसी के नहीं, तो उसको रोकने के लिए वो लोग नाली वहाँ कंप्लीट है, इनका पानी खुद उस नाली से होकर के उस गड्ढे में गिरना था। ये जो कह रहे थे कि नाली को सीधा करिए, सीधा करने में एक दलित व्यक्ति की जो झोपड़ी थी उसको गिरा करके तब यह उसमें पानी जाता था, और बगल की जो जमीन जो ये रोक रहे हैं वो जमीन स्वयं गड्ढे की ही जमीन है, इनकी कोई व्यक्तिगत जमीन नहीं है, उसमें रोकने का इनका कोई भी औचित्य नहीं है। विवाद में एक क्रम में दो पक्षों के बीच में मारपीट, उसमें से एक पक्ष प्रधान का परिवार है और दूसरा पक्ष है वहाँ पर नाली बन रही कि वहाँ पर उनकी तरफ विरोध किया जा रहा था। ये प्रकरण पूर्व में भी थाने पर एक बार आया था, जिसमें दोनों पक्षों के बीच में समझौता हुआ था। कल जब उसमें नाली का निर्माण हो रहा था तब अचानक से मारपीट शुरू हो गई, इसमें प्रधान पक्ष को ज़्यादा लड़ाई ज़्यादा चोट लगी है, इसलिए उनकी तरफ से 307 का भी पंजीकृत किया गया है और उसमें 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। दूसरी तरफ पार्टी की तरफ से भी अभियोग पंजीकृत किया गया। और ब्यूरो रिपोर्ट, खबर यू।